राजधानी दिल्ली में गर्मी खत्म होने के बाद भी लोगों के लिए पानी की समस्या आम बनी हुई है। पानी ना मिल पाने के कारण सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने ग्रेटर कैलाश जल बोर्ड ऑफिस के बाहर हाथ में बैनर पोस्टर लेकर प्रोटेस्ट किया। महिलाओं ने विधायक के खिलाफ नारेबाजी की, दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और उनका साफ तौर पर कहना है कि हम पानी के लिए तरस रहे हैं लेकिन हमें पानी नहीं मिल पा रहा है। प्रदर्शन कर रही महिलाओं में ज्यादा आक्रोश देखने को मिला और यहां पर उन्होंने दमदार प्रोटेस्ट किया। संगम बिहार और देवली विधानसभा क्षेत्र के ज्यादातर महिलाओं ने ग्रेटर कैलाश जल बोर्ड ऑफिस के बाहर बैठ गई और स्थानीय विधायक के खिलाफ पानी न मिल पाने के कारण जमकर नारेबाजी की। स्थानीय महिलाओं ने बताया कि आज हम दिल्ली जल बोर्ड के बाहर इसलिए बैठे हैं ताकि हमारी जो पानी की समस्या है उससे हमें निजात मिले, लेकिन कई बार हम यहां पर आकर चले भी गए लेकिन अभी तक हमारी पानी की समस्याओं को नहीं सुना गया और हम यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारी बातें नहीं मान ली जाती या हमें कोई लिखित में आश्वासन नहीं दिया जाता, क्योंकि कई बार हम यहाँ आकर चले गए हैं लेकिन हमारी समस्याओं को अभी तक नहीं सुना गया। सैकड़ों की तादाद में स्थानीय महिलाएं संगम बिहार और देवली विधानसभा क्षेत्र की यहां पर आकर ग्रेटर कैलाश स्थित जल बोर्ड दफ्तर के बाहर बैठ गई है और उनके हाथों में पंपलेट है जिन पर साफ लिखा था पानी दो पानी दो, पानी की कालाबाजारी बंद करो। इसके अलावा केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और केजरीवाल मुर्दाबाद और स्थानीय विधायक के खिलाफ भी नारेबाजी करते दिखाई दी। 7 साल हो गया, 7 साल में आज तक हमारे ऊपर एक टैंकर नहीं आया है और रही फ्री की तो बात ही दूर है। जब हम टैंकर मंगाते हैं तो हमसे 4,000 लीटर वाला जो है 800 रुपए मांगा जाता है, जो 10,000 वाला है वो 1500 तक टैंकर बिकता है, मगर हमें आज तक एक चम्मच केजरीवाल का नहीं मिला है। जो उन्होंने वादा किया था, जिस पानी की वजह से उन्होंने जीत अपनी करी थी, उसका उन्होंने वादा पूरा नहीं किया है। उल्टे हम लोगों को पैसे दे के ब्लैक से खरीदना पड़ता है। हम कितना पानी खरीदे, हमारा जो बोर का पानी है वो भी 3 से 4 महीने पर आता है, उसका भी हर महीने हमें पे करना पड़ता है, 100 रुपए पर मंथ पे करते हैं। उसके बावजूद भी वो हमें बेइज्जती के रूप में पानी मिलता है। जब जाते हैं तो अगर हमने अपने अलावा एक बाल्टी पानी किसी को दिया तो वहाँ भी हमें धिकारा जाता है, जो तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, कनेक्शन काट दिया जाएगा। न तो हमारे पास कोई सरकारी गाड़ी की सुविधा है, न बोर की सुविधा है। हम लोग प्राइवेट पानी 500-600 की टैंकर खरीदते हैं हमेशा। टैंकर ये जारवाल बेच रहा है और उनके जितने टट्टू है वो लोगों को धमकी देता है। हम लोग ना भी कुछ करते तो हम लोग को फंसाने की धमकी देता है। जब आप लोग बताओगे तो आप लोगों के ऊपर गाजी गिरेगी। प्रदर्शन कर रहे हैं, कब तक करेंगे? जब तक यह अनिश्चितकालीन है वो जब तक हमें पूर्ण रूप से नहीं बताएंगे कि हम जनता के लिए क्या कर रहे हैं। हम लिखित नहीं दे रहे, हम पानी की क्या व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि 7 साल से उन्हीं के भरोसे उन्होंने अपना भरोसा कायम नहीं रखा। हमें बिल्कुल पानी नहीं मिलता और हमारे यहाँ 6-6 महीने पानी नहीं आता है और जो टैंकर थोड़े बहुत आते भी थे वो भी जारवाल ने बिल्कुल रोक दिए कि पानी नहीं जाएगा जी ब्लॉक में। हम कह रहे हैं आप तो दो पानी, वो हमें भी नहीं दे रहा। ब्लैक अभी 800 रुपए तो अभी टैंकर आ जाएगा, लग जाएगा। अभी सर्दियों का मौसम, लोगों को पता खाने के लिए हो ना हो पर हमें 4-5 हजार रुपए पानी खरीदने के लिए चाहिए चाहिए, कहाँ से लाएंगे हम? केजरीवाल साहब कहते थे कि 700 लीटर पर घर पे फ्री मिलेगा। यहाँ पे आप हमेशा जितनी जनता आई है इनसे पूछो, अगर 100 लीटर भी लोगों को पानी फ्री मिलाओ, पानी जाकर ना टैंकर आपके सामने जल बोर्ड में, हम लोग आए हैं यहाँ से कितने टैंकर निकले पर हमारे तक अभी कोई टैंकर नहीं पहुँच रहा। जो थोड़ा सा हमारे पास पहुँचता था चंदन चौधरी के थ्रू, आज वो 3-4 दिन से बिल्कुल रोक लगा दी है। टैंकर कौन बेच रहा है, कौन बिचवा रहा है? ये झारवाली जी हैं और कौन होंगे आप बताइए? कौन है झारवाले? ये हमारे विधायक है, ये देवली विधानसभा के, देवली विधानसभा के 800 रुपए का टैंकर, 1000 रुपए का, 800 रुपए का। अगर जैसे जैसे टैंकर है, जैसे अगर नहीं है मजबूरी, हमने 1500-1500 रुपए के टैंकर खरीदे हैं, हम कहाँ से लाएंगे पैसे? इसी वजह से आज हमें लिखित में चाहिए। हम जब तक हमें लिखित में नहीं मिलेगा हम नहीं जाएंगे, नहीं तो हम यहाँ सुसाइड करने के लिए मैं तैयार हूँ। आज पानी नहीं मिलता हम लोगों को, खाली बर्तन ऐसे ही पड़े रहते हैं, त्योहार की टेम में कैसे काम चलाएंगे हम लोग, कैसे गुजारा करेंगे बताओ? ब्लैक से देता है, कौन बेच रहा है पानी और कौन बेच रहा है, कौन नहीं बेच रहा है? टैंकर वाले बेच रहे हैं, विधायक बेच रहे हैं और कौन बेचेगा? हम लोग तो बेचेंगे नहीं। आप लोग का ये बताओ, 600 रुपए का एक टैंकर हो रहा है, छोटा टैंकर है, 600 वाला भी पानी नहीं मिल रहा हम लोगों को। मैं पुनीता देवी के सेकंड से हूँ, वहाँ भी सेम ही हाल है। जब भी हम लोग पानी मांगने जाते हैं वो कहते हैं 15 आदमी का मेंबर बना, और जब 15 आदमी पूरेंगे नहीं तो मेंबर कहाँ से बनाए? उसमें भी 15 आदमी का मेंबर दो, 500 से ज्यादा नहीं देते। वो 500 कितने दिन चलाएंगे? जो पानी हमारा 3-3, 4-4 महीने में आता है, पैसे तो पूरे ले लेते हैं, तो फिर
इसके अलावा क्या हमारे पास, हम तो हम गए, उनका कहना है कि आप उनसे साइन करवा के लाओ, उनसे करवा के लाओ, ऐसे कर करके आदमी परेशान होके घरेलू औरत यही परेशान। हमारे तक आते थे वो भी हमें तीन चार दिन से दिक्कत हो रही है, जब भैया का बंद कर दिया तो हमारा भी नहीं आ रहा है, जब हमारा छठ पूजा नजदीक है तो और पानी देना चाहिए, तो हमें और पानी की परेशानी कर रहे हैं।